तो भाई महम टूर्नामेंट में सेकंड राउंड के मैच चल रहे हैं सुचारू रूप से, बढ़िया सिस्टम बैठ रहा है यहाँ पे। तीन ग्राउंड है जैसा कि मैंने दिखाया, और मेरे साथ हैं भाई विपिन भाई साहब, रोहतक से विपिन भाई साहब, जो कि टारक वॉलीबॉल के जो कि इंडिया कैप्टन भी हैं और उसे आगे बढ़ाने का मुहिम जो ले रखी है भाई ने ले रखी है, आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो विपिन भाई ने बताया, और साथ में है मनोज भाई, काफी दिनों बाद आए भाई टूर्नामेंट भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मनोज, सभी दोस्तों से मिलके बहुत मजा आया है ना। हाँ, और आगे आते रहेंगे, बने रहेंगे ना सभी के साथ। चलो बिल्कुल, तो विचार जानेंगे विपिन भाई के हम, कि विपिन भाई जो आप बता रहे हो टूर्नामेंट के बारे में भी बता रहे हो, आगामी आने वाले समय में क्या क्या मतलब ये रहेगा जो भी खेल से संबंधित बातें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा प्रेम भाई, आपका ये जो ब्लॉग भी है और चैनल भी है जी, बहुत अच्छा है, मैं आपके सारे ब्लॉग देखता हूँ और लाइक भी करता हूँ। और भाई और भाई भी जो देख रहे हैं वो प्रेम भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ब्लॉग भी देखें, लाइक करें। आगामी टूर्नामेंट ये है 8 और 9 जून। मनोज इधर आ जाओ आप, हाँ। यहाँ पे आओ, चेयर लेके यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आ जाओ, हाँ भाई आ जाओ, कर ले, आ जाओ भाई, आ जाओ सारे भाई, आ जाओ सारे भाई, हाँ विपिन भाई 8 और 9 जून को डायरेक्ट वाली नेशनल करवाने जा रही है, तीसरा नेशनल, अच्छा थर्ड नेशनल, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में होने जा रहा है और बहुत ही अच्छा नेशनल होगा जैसी उम्मीद है और जैसी तैयारी चल रही है। पिछले एक महीने से भोपाल में तैयारी चल रही है, रोजाना बात होती है, उनसे भी जायजा लेते हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश एसोसिएशन बहुत अच्छा काम कर रही है वहाँ पे और प्रॉपर भोपाल में ही नेशनल होने जा रहा है, और खासकर अब इस चैनल पे मैं तो ये कहूँगा जितने भी हरियाणा के खिलाड़ी हैं, हाँ मेरी नज़र में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, सारे भाई बराबर हैं और प्लेयर भी सारे बराबर हैं, और सबसे खास बात ये है कि बेस्ट है, इसको हर कोई खेल सकता है, कोई भाई ये सोचे कि भाई नेशनल का टूर्नामेंट है भाई मेरा तो नंबर ही नहीं पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे, इसमें कोई भी एक दिन ट्रायल रखेंगे पूरे हरियाणा की, सभी भाई जरूर पहुंचना। अच्छा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इसी भी आपको रोकना चाह रहा हूँ कि हरियाणा स्टेट से मतलब कितनी टीमें प्रतिभागी हो सकती हैं प्रतियोगिता में, वो चीज़ जानना चाह रहा हूँ। जैसे तो स्टेट की एक टीम होती है नेशनल, हाँ हाँ, पर स्टेट से दो टीमें खेल सकती हैं, अच्छा अच्छा प्लेयर ज़्यादा हैं तो दो टीमें खिला सकते हैं, मतलब दो टीम शामिल हो सकती है हरियाणा स्टेट, हरियाणा स्टेट से दो टीमें शामिल हो सकती हैं। बिल्कुल सही बात, प्लेयर की कितनी होती है, प्लेयर में 6 प्लेयर ग्राउंड में और 2 प्लेयर 6+2 कोच मैनेजर। अच्छा मैं जानना चाह रहा हूँ विपिन जी, जो आप ये प्रतियोगिता करा रहे हो तो नियम जो ये चल रहा है महम टूर्नामेंट सेम है या कुछ चेंजेस है? कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल यही नियम है जो यहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा है महम, हाँ बिल्कुल सेम नियम है, सेम नियम है, सेम नियम है, कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो अलग नियम हो कुछ अलग से चेंज हो तो समस्या आती है प्लेयर को खेलने में, है ना, वो चीज़ क्लियर होना पब्लिक होना बहुत ही जरूरी है, नहीं एसोसिएशन का मैच ही है ये जो थर्ड ब्रांड जिसको यहाँ पे बोलते हो, ये अपनी एसोसिएशन का ही मैच है, अच्छा पंजाब में कच्ची जिसको बोलते हो वो भी अपनी एसोसिएशन का ही मैच है, महाराष्ट्र में टकली अपनी एसोसिएशन का मैच है, अच्छा दुनिया भर के तो प्लेयर हैं अपने गेम में, हाँ लेकिन आगे नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे और आगे क्यों नहीं आना चाह रहे इस चीज़ का भी नहीं पता, कल जाना चाहिए भाई नेशनल में, स्टेट लेवल पे भी खेलना चाहिए ताकि इस गेम को आगे बढ़ावा मिल सके और जो भी है गवर्नमेंट अप्रूव हो सके और इंटरनेशनल भी हो सके, प्रतियोगिता नहीं इंटरनेशनल प्रतियोगिताएं लगातार हो रही हैं 3 साल से, इंटरनेशनल में तो लगभग इसको पूरा संसार ही खेलता है, अच्छा शायद कोई ऐसा कंट्री होगा जो हमारे से अपनी एसोसिएशन से ना जुड़ा हो, वर्ल्ड की हर कंट्री की एसोसिएशन है, और अब अपने यहाँ तो ये बोलते हैं देसी गेम, भले ही देसी गेम है लेकिन इसको मेरे हिसाब से सबसे बड़े स्तर पर खेला जाता है पूरे संसार में,
और कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें अपने जितनी टूर्नामेंट नहीं होती। जो प्रेम भाई जो खास बात ये है, सेम टूर्नामेंट चलती है, इतनी टीम आती हैं, कोई ये सोचे कि भाई इंडिया से तो बाहर ये गेम है ही नहीं, ठीक है। इन्हीं प्लेयरों में से फ्यूचर में, इन्हीं प्लेयरों में से आपके जो यहाँ पे खेल रहे हैं या फिर हरियाणा में, और हरियाणा में क्या NCR में या पूरे इंडिया में जो भी टूर्नामेंट हो रही है, इन्हीं में से प्लेयर जाएंगे छट के। हाँ हाँ, अभी थोड़ा सा कंपटीशन कम कह लो या यूँ कह लो भाई नया नया गेम है, जब दो चार साल के बाद, एक साल के बाद कुछ बहुत बड़ा आयोजन भी होने जा रहा है। मैं आपको पहले ही बता दूँ, हो सकता है 2024 में ही हो जाए। इसमें अभी IPL के लिए हम ट्राई कर रहे थे, ये 25 तारीख बीच में आ गई, अभी 25 मई के टूर्नामेंट लेने की सोच रहे थे डेमो IPL में, 6 टीमों का। ठीक, बाहर से कंपनी आई हुई थी और उनको मैच दिखाने थे, बस इतना ही था ये मैच है। और मेरा जो अपनी थिंकिंग है मेरी, और जो मेरी 2024 में इसका IPL आ लेगा, इतना श्योर है। बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो IPL भी करवाने जा रहे हैं। बिल्कुल IPL होने जा रहा है इस गेम का, थर्ड बॉल एंड रेंड का। आपके गांव के खिलाड़ी, आपके आसपास के खिलाड़ी, उनको आप TV पे देखोगे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से प्रेम भाई, जितने भी खिलाड़ी हैं नेशनल को मिस ना करें। हाँ ना, सही है, चाहे वो किसी भी स्टेट का, सभी मतलब जो ट्रायल है उसमें शामिल हो और बढ़ चढ़ कर भाग लें। जो भी सिलेक्ट होता है, 2 टीम बन के जाएंगी भाई, हरियाणा से, पंजाब के भाई सुन रहे हैं, वो है राजस्थान के या और कोई भी इंडिया से, जो भी है, अगर किसी को भी कोई भी शंका है किसी भी प्रकार की, अगर भाई किससे संपर्क करें, प्रेम भाई आपके पास मेरा नंबर है, नंबर डाल सकते हो, बिल्कुल मेरे से संपर्क कर ले भाई, बिल्कुल बिल्कुल, इंस्टा पे या मेरा नंबर है तो मेरे को भी कॉल करके पूछ सकते हैं। जो भी संख्या आपको, जो जिस स्टेट का प्लेयर है वो अपनी स्टेट में, ओपन टूर्नामेंट रोज खेल रहे हो, हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, अब बहुत टूर्नामेंट हो रही है ये भी उससे अच्छी बात है, लेकिन अपनी स्टेट के लिए एक बार खेल के देखो, शायद उसमें और ज्यादा मजा आ जाए। बिल्कुल, चाहे वो किसी भी स्टेट का स्टेट में, हरियाणा का हरियाणा की स्टेट में, ना सही बात, दिल्ली का दिल्ली की स्टेट में, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र की स्टेट में, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है भाई 8 और 9 जून को भोपाल में। मेरे हिसाब से तो सबको शामिल होना चाहिए उसमें। बिल्कुल भाई बिल्कुल, और जो सबसे खास बात है उसमें, नेशनल में भी हमने थोड़ा सा यूँ सोचा है कि भाई प्लेयरों को अच्छी सुविधाएं दी जाए, अच्छा रहने का प्रोग्राम हो और कोई प्लेयर खाली हाथ ना आए। ना सही बात, तो यूँ प्रोग्राम बनाया था कि भाई, तो क्या मतलब वो प्लान किया है कि प्राइज वगैरह का कुछ अभी, या फिर डिसाइड करना बाकी है, वो चीज जानना चाह रहे हैं। मोस्टली डिसाइडेड ही है, शायद कल सर्कुलर निकल जाए। अच्छा अच्छा, तो क्या अंदाजा है प्राइज का? कम से कम भी प्राइज 10 या 12 रहेंगे, 10-12 रहेंगे। हाँ, इतने गर्ल्स की, गर्ल्स का भी और बॉयज का भी, दोनों का, दोनों ही होंगे, इतने प्राइज गर्ल्स के रहेंगे, इतने बॉयज के रहेंगे। बिल्कुल, और बहुत अच्छी शुरुआत है ये, अभी तो स्टार्टिंग मोड पे है एसोसिएशन, तीसरा नेशनल है ये। तो मेरे हिसाब से सबको खेलना चाहिए। ना ठीक है, और ओपन टूर्नामेंट खेल रहे हो भाई, एसोसिएशन के साथ भी खेलना चाहिए। जो मजा एसोसिएशन में आएगा ओपन आओगे तो उससे ज्यादा मजा आएगा फिर बाद में। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बात, मेरा यही मैसेज है मैं सबको भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये जो अच्छी बातें बताई और प्रतियोगिता होने वाली है उसके बारे में बताया विपिन चहल भाई ने, और साथ में मनोज भाई जी, बढ़िया बातें बताई, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना इस वीडियो को। धन्यवाद, राम राम भी सभी भाइयों को।